पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस हत्याकांड में शामिल संतोष जाधव को पुणे, पंजाब और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। जाधव को उसके एक साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में संतोष जाधव भी शामिल था। पुलिस ने संतोष को रविवार देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अदालत ने उसे 20 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 8 आरोपितों की पहचान हो चुकी है। इस मामले में सौरभ महाकाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस जुटी हुई है। इसके साथ ही संबंधित राज्यों की पुलिस पंजाब पुलिस के साथ ही लगातार तालमेल बनाए हुए है। पुलिस का मानना है कि संतोष जाधव से पूछताछ के बाद इस हत्याकांड से संबंधित अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक कुलवंत कुमार सांगराल मामले को लेकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोमवार को दे सकते हैं। वहीं आधिकारिक बयानों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य जाधव को 2021 में पुणे जिले के मंचर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया। वो पिछले एक साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि नागनाथ सूर्यवंशी का नाम मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया है। पुणे पुलिस ने 2021 के दौरान हुए हत्याकांड के बाद जाधव को पनाह देने के आरोपी सिद्धेश कांबले उर्फ सौरभ महाकाल को बीते दिनों गिरफ्तार किया था। मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की थी। वहीं मुंबई पुलिस ने सलीम खान और उनके बेटे सलमान खान को धमकी भरे पत्र भेजे जाने के मामले में भी महाकाल से पूछताछ की है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।